हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूं एक मल्टीपर्पज़ केतली। इसको कैसे बनाते हैं इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में मैंने दिखाई है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड, इसको बनाने के लिए सिंपली से आपको एक छोटा सा कैन चाहिए। फ्रेंड्स, हमने यानी घी का डब्बे का कैन लिया हुआ है। आप चाहें तो पेंट या किसी चीज़ का भी कैन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको एक सिंपली से छोटी सी सिल्वर की या लोहे की छोटी सी पाइप चाहिए। देखिए, हमने एसी वाली पाइप ली हुई है। और उसके बाद दोस्तों, आपको उसके ऊपर ढक्कन को, कैन के ऊपर ढक्कन को किसी चीज़ की मदद से उसको उसमें होल कर देना। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने नाइफ की मदद से, मतलब चाकू की मदद से, काफ़ी बढ़िया होल कर रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ये टेढ़ा होल हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको आगे एडजस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड, देख सकते हैं हमारी जो गोल वाली पाइप है उसमें काफ़ी अच्छा बैठ रही है। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको एमसील लेनी है। देख सकते हैं फ्रेंड, 10 रुपए की एमसील आपको बाजार में मिल जाएगी। फ्रेंड, एमसील को मिक्स करके आपको क्या करना है, पाइप को लगा के एकदम अच्छी तरीके से एयर टाइट कर दीजिएगा। बगल बस फ्रेंड, जरा सा भी एकदम जगह मत छोड़िएगा, उसको बढ़िया से एकदम एयर टाइट कर दीजिएगा। एमसील से एकदम बढ़िया उसको जाम कर दीजिएगा, काफ़ी की मजबूती से वो रहे और जो हमारी केतली मल्टीपर्पज़ केतली है तो लाइफ टाइम तक चले, काफ़ी उसकी लाइफ, उसकी लॉन्ग लाइफ रहे। तो फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या करना है, वायरिंग वाली पाइप ले लेनी है। देख सकते हैं फ्रेंड, वायरिंग वाली पाइप हमने ले ली है और एक छोटी सी बॉटल ले लेना है। फ्रेंड, क्या करना है, तो तिखे पर रख के उसको वायरिंग वाली पाइप को ऐसे कट कर दीजिए आरी की मदद से। हमने आरी की मदद से, आपके पास कटर ब्लेड है तो उससे भी कट कर सकते हैं। और फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या करना है, जो बॉटल वाले ऊपर का पोर्शन को कट कर लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने अपनी वायरिंग पाइप को भी कट कर लिया, बॉटल वाले ऊपर वाले पोर्शन को भी कट कर लिया बढ़िया सा। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, ऊपर वाले पाइप को कुछ इस तरह एमसील की मदद से हमारे बॉटल वाले पोर्शन को ज्वाइन कर देना है। फ्रेंड, देख सकते हैं कुछ रफ दिख रहा है, ये हमने यानी कि डब्बे को बगल से होल कर दिया है। तो फ्रेंड, सैंड पेपर की मदद से, बालू कागज़ की मदद से उसको थोड़ा रफ करके थोड़ा स्मूथ करेंगे कि हमारे जो डब्बे पे हैं वो जाके एकदम बढ़िया से चपक जाए, उसको थोड़ा सा स्पेस ना मिले। तो फ्रेंड, उसको भी थोड़ा रफ़ कर देते हैं, काफ़ी की मजबूती हो, एमसील की मजबूती हो, काफ़ी पकड़े, स्मूथ रहेगा तो फ्रेंड जल्दी पकड़ेगा नहीं। ऐसे तो रफ़ कर देंगे, थोड़ा पकड़ेगा। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने काफ़ी बढ़िया इसको रफ़ कर दिया। तो फ्रेंड, कुछ इस तरह हमारे जो ये वाले वायरिंग पाइप और बॉटल जो पोर्शन वाला हमने बनाया, कुछ इस तरह आपको एमसील से इसको बढ़िया से इसको जाम कर देना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं हम काफ़ी बढ़िया इसको ऐसे करके एमसील लगा दिए। पहले फ्रेंड्स, आपको फेविक्विक चिपका देना है टेम्परेरी के लिए, उसके बाद आपको एमसील डायरेक्ट लगा देना है। तो फ्रेंड, आपको उसके बाद इसको लगभग 2 घंटे तक आपको छोड़ना पड़ेगा, तो सूखने के लिए आप छोड़ देंगे तो एकदम बढ़िया ये सूख जाएगा। तो फ्रेंड, देख सकते हैं हमारा ढक्कन वाला पोर्शन जो है लगभग सूख चुका है, उसको हमने पहले बनाया हुआ था। कुछ इस तरह दिख रही है हमारी मल्टीपर्पज़ केतली, आप भी बना सकते हैं फ्रेंड, कुछ खर्चा नहीं है, 10 से 5 रुपये में बन जाएगी। तो फ्रेंड, देख सकते हैं ये काफ़ी बढ़िया दिख रही है, आप भी घर पर बना लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ से जो हमारी चाय या केतली, चाय होगी, कॉफ़ी होगी, कुछ मैगी होगी, यहाँ से निकलेगी वायरिंग वाली पाइप से। तो फ्रेंड, चलिए हम इसको चला कर दिखाते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं हमने ग्लास में लिया है दूध, दूध लेने के बाद फ्रेंड उसमें थोड़ा डाला है पानी। तो फ्रेंड, देख सकते हैं आप तो अपने अंदाज से चाय बनाने का मटेरियल, जब हम डाल लें इसमें चीनी, उसके बाद फ्रेंड्स हम डाल लें इसमें चाय पत्ती। तो फ्रेंड, देख सकते हैं हमने चीनी और चाय पत्ती डाल के उसको ऊपर वाला पोर्शन से काफ़ी बढ़िया उसको पैक कर दिया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, काफ़ी बढ़िया पैक हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, गैस टॉर्च हो, गैस टॉर्च हो आप लगा लीजिए। आपके पास होममेड हमने बर्नर बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वो बर्नर में ला के उससे हीट कर दीजिए, बस हीट होना चाहिए। तो फ्रेंड, हमारे पास गैस टॉर्च और इजी से काफ़ी बढ़िया तेज हमारी चाय कॉफ़ी है इसमें खोल जाएगी। तो फ्रेंड, देख सकते हैं हमारा गैस टॉर्च जो ऑन हो चुका है और काफ़ी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हमारी जो केतली है मल्टीपर्पज़ केतली है उसमें हीट प्रोड्यूस मतलब जाना स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड, देख सकते हैं हल्का हल्का जो ऊपर वाले पाइप से भाप निकलने लगा है, एकदम जैसे ट्रेन में से निकलता है। फ्रेंड, देख सकते हैं ऊपर वाले पाइप से हमारा जो भाप निकल रहा है। तो फ्रेंड, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया हमारी जो चाय खोल ली है, अंदर हमने चाय बनाया है तो अंदर खोल ली है। तो फ्रेंड, ऐसे ही कुछ कर लेना है, आपको कहीं जा रहे हैं आप पिकनिक विकनिक मनाने, तो फ्रेंड आप ऐसे ले सकते हैं, आपको कहीं आग जलाने लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड, काफ़ी आपका हेल्प हो जाएगी, आपको काफ़ी पैसा बचेगा। तो फ्रेंड, चलिए हमारी चाय खोल चुकी है, हम आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे है। तो फ्रेंड, देख सकते हैं हमने ऊपर बोतल और कैप को खोल दिया। फ्रेंड, देख सकते हैं कितने गर्म गर्म चाय आ रही है। फ्रेंड, हम जग में उसको उछले हैं, देखेंगे फ्रेंड्स अब हमारी चाय, तो देख सकते हैं आप एकदम गर्मा गर्म भाप निकल ली हमारे चाय से, और थोड़ी चाय और हम इसमें झोल लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो, अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड, देख सकते हैं गर्मा गर्म चाय एकदम तैयार है, कुछ नहीं है फ्रेंड, एकदम ईजी बनाना है, हम आपको बताए हैं एकदम ईजी बनाना। तो फ्रेंड, देख सकते हैं चाय हो गई, और ये फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है फ्रेंड, चाय तो हमने बना ली, अब आप पी भी लीजिएगा।
तो फ्रेंड आपको क्या करना है, इसकी साफ़ सफाई करने के लिए हम बताएं उसको ऊपर वाला कैप खोलना है, किसी चम्मच से हमने खोला उसको काफ़ी बढ़िया सा उसको धुल लेना है फ्रेंड, धुलने के रख देना है, धुल के काफ़ी बढ़िया सा धुल देना है तो आगे भी आप यूज़ कर सकेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने ये मल्टीपर्पज़ केतली सिर्फ 5 से 10 रुपये में बनाई हुई है फ्रेंड, आप भी बना के अपने एडवेंचर में पिकनिक ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड अगले वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।